नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। आज के ही दिन हमने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए इस महत्वपूर्ण और दुष्कर जंग को जीता था। इस दिन को कोई भी भारतीय नहीं भुला सकता, क्योंकि भारत माँ के ना जाने कितने सपूतों ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी थी। इस शौर्य और त्याग के दिवस पर राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती वर्ष का समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल समेत तमाम विधायक और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर शहीद सैनिकों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। इस वीर दिवस पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा कि यह दिवस हमको याद दिलाता है कि हम शांति प्रिय देश हैं, और जब हमारी 1 इंच भूमि भी कोई लेना चाहेगा तो हम उसकी सुरक्षा के लिए सक्षम है, और हमारी सेनाओं के पास वो ताकत है जिसके द्वारा हम किसी भी गलत कार्य का उत्तर दे सकते हैं। इस मौके पर सी न्यूज भारत पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धन धान्य में बाबा बुद्धि में दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था, तब भी भारत ने कभी किसी भी देश पर जबरन कब्जा नहीं किया। लेकिन जब भी किसी दुश्मन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत पर जबरन करने का प्रयास किया तो भारत के बहादुर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। आजादी के बाद हुए लगातार उन युद्धों में भारत ने यह साबित करके दिखाया है, कंप्यूटर के पक्ष पर नहीं, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो हमें अपनी मातृभूमि के 1-1 इंच जमीन को न केवल वापस लेने का अधिकार है, बल्कि दुश्मन को हम सबक सिखाएंगे कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखना बंद कर दे। और यह 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में और अन्य युद्धों में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया। कारगिल सामरिक दृष्टि से अत्यंत दुर्गम क्षेत्र था, दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था, भारत के जवान की जो जोड़ने वाली रेखा थी उसी को भारत को उन्होंने अवरुद्ध करने का कुत्सित प्रयास दुश्मनों ने किया था। क्या बोले विजय दिवस? आज ये 25वीं वर्षगांठ है, ये विजय दिवस की वर्षगांठ पे मैं पूरे देश के और खासकर अपने प्रदेश के वासियों को इस विजय दिवस की बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से हमारे वीर जवानों ने ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पाकिस्तान ने एक कुचक्र रच करके हमारे देश के वीर जवानों के लिए चैलेंज किया था, देश के लिए चैलेंज किया था, ऐसी बहादुरी के साथ लड़ने पर उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, देशवासियों की इसकी बहुत बधाई देता हूँ, और उनके परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ अपने को जोड़ते हुए उनकी एक सवाल जरूर रहेगा, उपचुनाव आने वाले हैं, बोल रहे हैं इस बार BJP को नुकसान होने वाला, बड़ा नुकसान होने वाला है, क्या राय है? असल में एक बार कोई सामान में अंधा हो गया तो उसे हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह से विपक्ष पता नहीं क्यों अपनी पीठ थपथपा रहा है इस लोकसभा के चुनाव में, जबकि BJP कहीं पर मात नहीं खाई है, बल्कि उनके झूठ फरेब बोल करके लोगों को भ्रमित करके दुनिया भर के झूठ बोल करके जो थोड़ी बहुत कामयाबी उनको लग रही है उसके लिए वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो होने वाले 10 चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने वाली, अब जनता
एक बार मूर्ख बनती है, एक बार काट की हांडी चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। जनता जान गई। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे नगर विकास मंत्री ने, दोनों ने जो कारगिल दिवस जितने लोग दिवंगत हुए हैं उनकी पत्नियों को, उनके परिवार वालों को बहुत ही मंगल कामनाएं दी हैं, और प्लस हिंदुस्तान के जो शौर्य और अदम्य साहस के साथ जो जीते थे उसके लिए पूरे देश को बधाई दिया और पूरे विश्व में दिखाया कि हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो विश्व में सबसे सर्वोपरि हैं, सबसे तेज़ हैं, और जांबाज तरीके से अपनी जान की कुर्बानी लगा करके हिंदुस्तान के, अपने देश की रक्षा करते हैं। आपको बड़ा पद से भी सम्मानित किया गया है, कैसे निर्वाह करने वाले हैं? मैं लगता हूँ कि यह प्रदेश का एक बड़ा पद है, और सभापति जो मैं अभी बनाया गया हूँ तो उसके लिए मैं पूरे मन से, पूरे भाव से सेवा करूँगा, और ये प्रदेश सरकार को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको इस लायक चुना, और मैं उसमें खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आज 25वां कारगिल विजय दिवस है। लखनऊ नगर निगम परिवार की तरफ से, पूरे लखनऊ नगर की तरफ से मैं उन शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो देश के लिए मर मिटे हैं। आने वाले समय में, एक साल का आपने देखा ही है कि किस तरीके से काम हुए, आने वाले समय में और बढ़िया और ढंग से काम होंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे पूछने के बजाय अगर आप लोग सिवरी जाएं और जिसने सिवरी एक साल पहले देखा है और वो आ जाए, या अगर देखा नहीं है तो वहाँ के आसपास के गांव से सर्वे कर लीजिए आज और कल की स्थिति क्या थी सिवरी की। हमारा टारगेट सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय लखनऊ के लोकप्रिय सांसद रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का स्पष्ट आदेश है कि लखनऊ साफ स्वच्छ होना चाहिए, और हम लोगों ने वही मुहिम अपनाई है। आज 26 जुलाई 2024 को कारगिल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कारगिल पार्क में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी द्वारा भी सारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके साथ साथ चार हमारे जो शहीद परिवार हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया। व्यवस्थाओं पे क्या बोलेंगे, अभी जो हाल की प्रदेश चल रहा है नगर निगम में आप लगातार काम करते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारा चैलेंज है सबसे बड़ा जो है नगर निगम में, अभी बरसात क्योंकि पूरा हो रही है, बीच में हट रही है, तो इसमें संचारी रोग का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है, उसमें नगर निगम लगातार सतर्क है। कुछ एरियाज़ में इशू आए हैं, लो लाइंग एरिया जहाँ फ्लड प्रोन एरियाज में, लेकिन हम लोग वहाँ हमारी टीम पहुँच के उसका निस्तारण कर रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।